तो हे यो व्हाट्स अप पीपल्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे होगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू से माइनक्राफ्ट वीडियो में। तो भाई लास्ट वीडियो में आपको मालूम ही होगा भाई, हम गए थे माइनिंग की तरफ और हमने वहाँ से इतने सारे डायमंड माइन किए कि किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस फटाफट से अपने सारे के सारे डायमंड वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई लेगिंग वगैरह भी रखी हुई है, मैंने भी रख दी, वहीं पर रख दी थी। तो क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेता हूँ और जितना भी अपना सामान है, मैंने भाई 51 डायमंड जैसे कलेक्ट कर लिए थे उस बार। तो फटाफट से जितना भी अपना सामान है लेके निकलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ। तो फाइनली गाइस भागते भागते रात भी हो गई और हम हमारे घर के पास पहुंच भी चुके हैं। तो भाई कितने दिन बाद भाई मैं अपने डॉग को देख रहा हूँ। भाई यार याद आ गई थी इनकी। तो फटाफट से जाके सो जाते हैं बेड पे जाके सो जाते हैं। और ये फटाफट से डोर भी ऑफ कर लेते हैं दोनों के दोनों और दिन कर लेते हैं। तो भाई हम सो के दिन तो हो चुका है। तो अपना जितना भी सामान वगैरह है सारा का सारा फालतू का सामान चेस्ट में भर देते हैं और कीमती चीज़ें भी चेस्ट में भर देते हैं। भाई डायमंड को फाइट में बोल रहा हूँ भाई। तो फटाफट से आयरन वगैरह भी स्मेल्ट करने रख देते हैं। तो गाइज मेरे को थोड़े से पोटैटो भी मिले थे वहाँ से, तो मैं वहाँ से पोटैटो ले आया था। तो फटाफट से उसे भी फार्म कर देते हैं। पोटैटो फार्म करने के बाद मैं आ गया अपने फटाफट से होम में, जिसमें से मैंने थोड़ा सा आयरन लिया, क्योंकि आयरन से हमें बनाने हैं भाई बहुत सारे हॉपर्स और हॉपर्स से हम लगाएंगे उसे अपने एक्सपी फार्म में। तो आज हम बनाने वाले एक्सपी फार्म, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया गाइस। तो फटाफट से उसके लिए सामान थोड़ा सा जमा कर लेते हैं। तो मुझे बनानी पड़ेगी 4 चेस्ट। ऑलरेडी हमारे पास एक हॉपर तो पड़ा हुआ है गाइस, तो फटाफट से 4 हॉपर भी बना लिया मैंने। और बाहर से जाके थोड़ा सा कोबलस्टोन वगैरह भी ले लेता हूँ। तो हम भाई इसे बनाएंगे अपने वाटर साइड, क्योंकि इस साइड भाई जगह भी खुली है और ठीक से भी लगता है। तो फटाफट से चले जाते हैं अंदर की तरफ। और इसे कौन सी साइड बनाए गाइस, तो देख लेते हैं। तो हम इसे इस साइड बनाने वाले हैं। तो फटाफट से यहाँ से ब्लॉक एक दो प्लेस कर देते हैं, थोड़े से और ब्लॉक लेके इसको हाइट के ऊपर प्लेस कर देते हैं। फटाफट से ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। गाइस मैंने फटाफट से एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया है। तो फटाफट से अपनी क्राफ्टिंग टेबल लगाते हैं और यहाँ पे चेस्ट बना के फटाफट से लगा देते हैं। तो मुझे बनानी पड़ेगी 4 चेस्ट है, जिससे चारों चार हॉपर उसके ऊपर प्लेस हो जाए। तो फटाफट से यहाँ पे 4 चेस्ट लगा देता हूँ, 1, 2 और ये 3 और एक इधर 4। तो फटाफट से इसके ऊपर अब हॉपर भी लगा लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो हमने भाई 4 हॉपर ऐसे लगा दिए जिसमें अगर कोई भी हम सामान वगैरह डालें तो सारा का सारा चेस्ट में चले जाए। तो फटाफट से यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक लगा देते हैं टेम्परेरी। बहुत सारे टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस करने के बाद अभी इसे हमें हाइट पे लेके जाना है, तो फटाफट से मैं वो भी कर लेता हूँ। फाइनली गाइस हमने चारों तरफ ब्लॉक तो लगा दिया है, अब फटाफट से भाई 8 ब्लॉक की काउंटिंग करके चारों तरफ ये भी बना देते हैं। तो गाइस मैंने सारी तरफ के बना तो दिए थे और रात भी हो गई थी और हमारे कोबलस्टोन वगैरह भी ख़त्म हो गए थे। तो मैं लास्ट टाइम अपने घर पे ही आके सो गया था, तो अब मैं फटाफट से जाके और भी कोबलस्टोन अपने कोबलस्टोन जनरेटर में से ले लेता हूँ। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी माइन कर रखे थे, तो फटाफट से इसको पूरी इन्वेंट्री में भर लेता हूँ। सारे कोबलस्टोन अपनी इन्वेंट्री में भरने के बाद फटाफट से अपना सारा का सारा कचरा यहाँ पर रख देता हूँ, जो हमें बाद में काम लगने वाला है। कचरा थोड़ा महंगा कूड़ा है गाइस, तो ये हमें बाद में काम वैसे भी पड़ने वाला है। तो यहाँ से देख लेता हूँ और भी कुछ कोबलस्टोन वगैरह छूटा हो तो ले लेता हूँ। तो फटाफट से जाके इसको फिनिश कर देता हूँ जितना कुछ बचा हुआ है। तो गाइज मैं देखता हूँ मेरे पास वुड भी नहीं है, तो फटाफट से जाके वुड भी भाई थोड़ी सी माइन कर लेते हैं। अरे माइन कर लेते हैं भाई, काटने की जगह मैं उसको बोल रहा हूँ, माइन कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं गाइज, होता रहता है। तो फटाफट से अपनी एक एक्स निकालते हैं आयरन की और यहाँ से जितना भी हो सके उतना फटाफट से वुड वगैरह माइन कर लेते हैं। और भाई यहाँ पे रॉटन फ्लैश क्या कर रहा है, तो फटाफट से माइन कर लेते हैं वुड। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो गाइज लकड़ियों को काटने के बाद मैं आ गया था अपने एक्सपी फार्म के ऊपर। तो मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया था कि एक्सपी फार्म हम भाई डबल वाला बनाने वाले हैं, जिसमें भाई ज़्यादा मॉब स्पॉन हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपी मिलेगी। तो आपको मैं मिलता हूँ इसे बनाने के बाद। तो फटाफट से सेम चीज़ें हमें प्रोसेस इसके ऊपर भी कर।
तो फाइनली गाइस हमने एक और इसका लेवल बना दिया है, आप देख सकते हो। और मैंने भाई चारों साइड वाटर भी लगा दिया है फटाफट से। तो अब चलते हैं इसको भी फटाफट से, जितनी चीज़ें बची हुई है फटाफट से वो भी ख़त्म करते हैं। और मैंने यहाँ पे भाई स्लैब भी लगा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लोज में हमारे आइस बायोम है, तो हमारा वाटर सारा भाई आइस में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक एक स्लैब लगा दिया है। तो अब फटाफट से बाकी का काम अपना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो भाई यहाँ पे मैंने स्लैब लगा दिया, जिससे हमारा भाई वाटर आइस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यही चीज़ मैंने सेम प्रोसेस चारों तरफ किया है। यहाँ पे भी मैंने नीचे की साइड भी लगा दिया है और उस तरफ भी लगा दिया है मैंने। तो फटाफट से चलते हैं अब यहाँ पे आसपास में ट्रैप डोर्स वगैरह लगा देते हैं। और हमारे कोबलस्टोन भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो हमारे कोबलस्टोन की भी हमें और ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फटाफट से वहाँ से और भी माइन कर लूँगा। तो शुरू करते हैं फिर इसे और आगे का बनाना। फाइनली गाइस मैंने चारों तरफ के भाई ब्लॉक्स भी फिल कर दिए और यहाँ पे भाई एक फॉक्स स्पॉन हो गया है, तो छोड़ दो भाई इसको। तो फटाफट से जाके अपने लिए एक थोड़े से ट्रैप डोर्स बना लेते हैं और बाकी का काम ख़त्म करते जल्दी से जल्दी। तो यहाँ से देखते भाई ट्रैप डोर्स, थोड़े से ब्लॉक प्लैंक्स बना लेते हैं और प्लैंक से भाई थोड़े से ट्रैप डोर बना लेते हैं फटाफट से। तो भाई हमने एक स्टैक के ज़्यादा तो बना लिए है, देखते अगर कम पड़े थे तो और भी बना लेंगे। तो मिलता आपको फटाफट से यहाँ पे ट्रैप डोर लगाने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने चारों के चारों तरफ फटाफट से यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगा दिए है, तो जिससे भाई हमारे सारे के सारे मॉब नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो आपको ऊपर जाके ही बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत आइस भी गिरी हुई है भाई, क्योंकि यहाँ पे रात को बारिश हो रही थी, तो बारिश में भाई आइस बायो में भाई यहाँ पे आइस जम गई है। तो फटाफट से इसके ऊपर का भी मैंने फील कर लिया है। और गाइस हमारा सारे के सारे कोबलस्टोन वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। तो हमारा वैसे फार्म तो ख़त्म हो ही चुका है, वरना तो अब बस इसके ऊपर हमें टॉर्च लगानी है। तो फटाफट से वो भी कर लेते हैं। फाइनली गाइज हमने सारे के सारे यहाँ पे टॉर्च वगैरह प्लेस कर दिए है और हमारा एक्सवाम बन के भी रेडी हो ही चुका है। तो भाई फटाफट से चलते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको मैं नीचे जाके पहले बता दूँ, तो फटाफट से नीचे चलते हैं और यहाँ से भाई हम सीधा के सीधा जंप करके, क्योंकि भाई नीचे वैसे भी वाटर भी है तो कोई हमें प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं। तो भाई आपको नीचे से बता देता हूँ। तो भाई ये तो खुला है भाई, यहाँ पे इसे ब्लॉक लगाना पड़ेगा फटाफट से। तो देखता हूँ भाई फटाफट से यहाँ पे ब्लॉक लगा देता हूँ। ये नीचे भाई मैं इधर स्लैब लगाना तो भूल ही गया, तो बस स्लैब तो है। तो फटाफट से ब्लॉक लगा के भाई इसे बंद कर लेता हूँ, अगर क्रीपर वगैरह आया तो अपना सारा काम सत्यानाश हो जाए। भाई कौन मार रहा है यार, अरे भाई साहब कौन मार रहा है। छोड़ो भाई निकलते हैं यहाँ से, ये नेक्स्ट वीडियो में भाई मैं कर लूँगा ये फटाफट से काम। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं ट्राई करूँगा कि जितनी हो सके उतनी हमारी वीडियो जल्दी आ जाए। तो आप देख सकते हो भाई कितना बड़ा भाई मैंने बना लिया है इसे एक्स फार्म को, आपको मैं दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई कितना बड़ा है भाई, ये पूरा दो गुना बड़ा है। तो इसमें इतने ज़्यादा हमारे मॉब वगैरह भी स्पॉन हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।